मैं अगर एज ए जर्नलिस्ट पूछेगा मैं जानता हूं कि वो निर्दोष है उन्होंने किया ही नहीं है नहीं ऐसा कहा हो कि मारदा मारद मारद ललकार करके भाषण दिया ठीक है लेकिन मारदा मारदा ऐसा उन्होंने नहीं कहा कभी कि मैं हूं राजपूत मैं थोड़े कह दे सकता हूँ राजपूत हूँ हिंदुस्तानी हूँ बिहारी हूँ और राजपूत भी हूँ <laughs> तो इससे अब कह देंगे कि राजपूत ना तो कोई मान ली कि राजपूत ना हो ना तो सच्चाई सच्चाई है सच्चाई है सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं कहते हैं कि हम अति पिछड़ा से हाँ। पिछ है। कहते हैं हैं कहते कि नहीं कहते हैं लालू प्रसाद यादव नहीं एक बार कहे कि अहिर के बेटा हैं भैंस जो पटकबे न किलॉस तो नरेंद्र मोदी का पटकी जो लालू के खिलाफ जो खड़ा हुआ उतना मजबूती के साथ उसमें नंबर वन वही थे इसीलिए वो मसीहा बन गए उनको लगा अच्छा आप देखेंगे कि होता क्या है कि पॉलिटिक्स में आज भी आप जात के नेता जमात के नेता तभी बन, बनते हैं जब आपका एटीट्यूड एग्रेसिव हो ये सब लोग जानते हैं कि जो घटना हुई चौरानवे में वो कहीं नहीं थे ये तो लौट रहे थे पटना कैसे इनको फ्रेम करके लगाया गया ये सब लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में गया था गया था मामला लेकिन इनके खिलाफ भाई अदालत ने दे दिया लेकिन हम लोग तो जानते हैं ना उसको तो बताएंगे ना हम अदालत के फैसले पर थोड़ी कोई सवाल करते हैं लेकिन हम तो जानते हैं कि नहीं वहां छोटन शुक्ला की जो हत्या हुई थी उसके विरोध में जो निकला था वही ना जी तो कई लोगों का तनाव था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं ये नहीं कहता हूँ कोई सवाल खड़ा करता हूँ पुलिस के मुताबिक ये है कि छोटन शुक्ला के भाई ने ही गोली मारी और भगवानपुर में इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया कि चाहे कोई हो प्रशासन हो कोई हो छोड़ना नहीं है और डीएम कहते रह गए कि हम यहाँ के डीएम नहीं है गोपालगंज के डीएम है उसके बावजूद गोली मार दी गई मैं का मैं, मैं कहाँ कहता हूँ तो, लेकिन पुलिस के जो पुलिस लिखती है सब कहती है सब सही लिखती है कहती है कि दबाव में भी काम करती है हमको कहने में कोई संकोच नहीं कि कैसे उनके खिलाफ एफ लिखवाया गया चुनाव तो लालू प्रसाद यादव भी आ रहे हैं नीतीश भी आ रहे हैं इसका मतलब क्या है असर की मैं बात कर रहा हूँ जीतना हारना दूसरी बात है असर की मैं बात कर रहा हूँ कभी कभी आप देखिएगा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चुनाव हार गया।, गया फिर मुख्य फिर मैं बन गया क्यों ये जानते इसलिए हाँ इसलिए कि उनके पकड़ है ना उस पर होता है ना सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है राजपूत का उनके साथ प्राइवेट आर्मी लेकर के चलते थे उसके अलावा है कि जब चौहत्तर का दशक जब आज़ादी हुई उसके बाद कुछ समाज के लोगों को बिहार में मलाई मिल गया लेकिन पिछड़ों को उतना मलाई नहीं मिला तो उसका भी एक उभार था उसको दबाने की भी कोशिश आनंद मोहन की जो प्राइवेट आर्मी थी वो करती थी जो आरक्षण की बात करता था या दलितों की बात करता था पिछड़ों की बात करता था कि आर्मी जाती थी उसको मारती थी धमकाती थी इसमें कितनी सच्चाई है इसमें कहीं सच्चाई नहीं है मैं तो नहीं जानता हूँ चूँकि मैं पत्रकारिता पैंतीस छत्तीस साल से करता हूँ ये नहीं है सिर्फ और सिर्फ पोलिटिकली देखिए वो जो लालू के खिलाफ जो खड़ा हुआ उतना मजबूती के साथ उसमें नंबर वन वही थे इसीलिए वो मसीहा बन गए उनको लगा अच्छा आप देखेंगे कि होता क्या है कि पॉलिटिक्स में आज भी आप जात के नेता जमात के नेता तभी बन, बनते हैं जब आपका एटीट्यूड एग्रेसिव हो कितना आप एग्रेसिव हैं बोलचाल में एक्शन में है कि नहीं बोलचाल में अब हैं तो इसीलिए वो बोलते थे आवाज़ भी उनकी उसी तरह है जहाँ भी भाषण देते थे मैग्नेटिक होता था ये तो नेता भी लोग कहते हैं नीतीश कुमार भी कहते हैं कि भाई भाषण देने की कला उनमें ज़बरदस्त है बोलने लगते हैं तो दबंग हैं हाँ ही यही है एक एक सवाल और है सर कि लालू के साथ में वो रहे लेकिन उसके बाद हर एक पार्टी में उनकी पत्नी चाहे वो भी जो है छियानवे तक जीत करके आए निन्यानवे और 2004 का चुनाव हार गए लेकिन एक सवाल हो रहा है सर कि जो राजपूत वोट है क्या उसके लिए नीतीश कुमार ने ये किया है जानबूझ के किया गया है ताकि जो राजपूत है इसके अलावा इनका जो अपना वोट है उसमें सहूलियत हो सारे दल के लोग जो है कहते रहे हैं कि इनके साथ नाइंसाफी इन हुआ है ये सब लोग जानते हैं कि जो घटना हुई चौरानबे में वो कहीं नहीं थे ये तो लौट रहे थे पटना कैसे इनको फ्रेम करके लगाया गया ये सब लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में गए गय था गया था मामला लेकिन इनके खिलाफ भाई अदालत ने, ने दे दिया हाँ। लेकिन हम लोग तो जानते हैं ना उसको तो बताएंगे ना हम अदालत के फैसले पर थोड़ी कोई सवाल करते हैं लेकिन हम तो जानते हैं कि थे भी नहीं वहां ज़रा भगवानपुर में वो भड़काऊ भाषण दिए थे वो तो उसके बार... बाद नहीं घटना हुई भाषण उसे देकर के चल चल दिए थे पटना के लिए वो थे कहा उसमें कई लोगों का नाम था ये तो भा... ठीक है भाषण दिया भाषण देकर चल दिए वो मॉब था मॉब ने लिंच कर दिया उसका लेकिन कई लोग थे उसमें छोटन शुक्ला की जो हत्या हुई थी उसके विरोध में जो निकला था वही ना ताजी तो कई लोगों का तनाव था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं ये नहीं कहता हूँ कोई सवाल खड़ा करता हूँ पुलिस के मुताबिक ये है कि छोटन शुक्ला के भाई ने ही गोली मारी और भगवानपुर में इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया कि चाहे कोई हो प्रशासन हो कोई हो छोड़ना नहीं है और डीएम कहते रह गए कि हम यहाँ के डीएम नहीं है गोपालगंज के डीएम है उसके बावजूद गोली मार दी गई मैं कहाँ कहता हूँ लेकिन पुलिस के जो पुलिस लिखती है सब कहती है सब सही लिखती है कहती है कि दबाव में भी काम करती है हमको कहने में कोई संकोच नहीं कि कैसे उन उनके खिलाफ एफ आई लिखवाया गया कैसे केस बनाया गया अब हम उसमें नहीं जाना चाहते कि किसने लिखवाया किसने क्या किया और पॉलिटिकल लाभ के लिए ही अगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कर रहे हैं तो क्या गलती है पॉलिटिकल लाभ के लिए एक आदमी जो सजा मैं निर्दोष भी नहीं कहता हूं कोर्ट को देखते लेकिन मैं अगर एज ए जर्नलिस्ट पूछेगा मैं जानता हूं कि वो निर्दोष उन्होंने किया ही नहीं है नहीं ऐसा कहा हो कि मार दा मार दा मार दा ललकार करके भाषण दिया ठीक है लेकिन मारद मारद ऐसा उन्होंने नहीं कहा कभी और पॉलिटिकल लाइफ कौन है पॉलिटिकल लाइफ के लिए सुशील कुमार मोदी क्या कई बार बनाया आप देखिए तो कि आनंद मोहन के साथ ना इंसाफी हो रही कौन ऐसे नेता है आज ही जिस तरह से हंगामा हो रहा है बताइए उपेंद्र कुशवाहा एक शब्द बोले हैं क्या कोई नहीं बोल रहा है यही तो सवाल उठ रहा है सर विपक्ष भी चुप है नहीं विपक्ष में तो कुछ तो उठवा ही रहे हैं उठा नहीं रहे हैं उठवा तो रहे हैं कई लोग हाँ। अमित मालवीय का बस एक टूटा है तो क्या उसका मतलब है मैं वो क्या मतलब है लेकिन हिम्मत नहीं हो चुकी जानते हैं कि पंद्रह ऐसे कॉन्स्टिटुएंसीज हैं बिहार में राजपूत जहाँ डोमिनेट करते हैं वहां असर पड़ेगा

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चुनाव हार गया फिर फिर मैं बन गया क्यों ये जानते इसलिए हाँ इसलिए कि वो, उनके पकड़ है ना उस पर होता है ना सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है राजपूत का उनके साथ समझते हैं हम ये नहीं कह उनके कहने पर सारे राजपूत किसी पार्टिकुलर पार्टी को दे देंगे लेकिन एक जुड़ा हुआ है ना उन्हें सेंटिमेंट के आदमी कुछ न करते हुए भी जेल में है सोलह बरस जेल में रह गया और ऐसा थोड़ा है कि पहली बार परिहार दिया जा रहा है हिंदुस्तान में पहली बार परिहार मिला है क्या किसी को इतना हो हंगामा है इस देश में कई लोग छोड़े गए हैं छूटते रहेंगे बिहार सरकार ने एक अमेंडमेंट कर दिया बारह में जिसके बदौलती अट्ठासी साल के बाद मैनुअल चेंज हुआ था 2012 में जो हुआ अब हिंदुस्तान के कहीं नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ और कहीं जेल मैनुअल चेंज हुआ है यही सवाल है सर कल तक जो नीतीश कुमार लवली आनंद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जब हाईकोर्ट ने उनको राहत दे दिया आज वही नीतीश कुमार इतना क्यों जो है इनको बेट दे रहे हैं यही सवाल का है। सवाल है। हाँ। यही सवाल सवाल है है का ही ही कहे होता राजनीति में यही होना भी चाहिए प्रकृति मैंने हर चीज परिवर्तनशील होना चाहिए आदमी को जड़वत थोड़ा होना चाहिए अब कल क्या सोचती आज हो सकता है उससे फायदा हो कल हो सकता है फिर घाटा हो ये क्या मतलब है एक, एक आपका भी एक आपका भी ट्वीट वायरल हो रहा है सर जो इसमें आपने लिखा है कि हाँ मैं राजपूत हूँ उसके बाद आपने अपनी लाइन लिखी तो अब, अब लोग जो है सोशल मीडिया पे जो पत्रकार लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं।, हैं हम लोग जैसे यंग पत्रकार लड़ रहे हैं कि आखिर इनके जाने इनके छुटने पर इतना हो हंगामा क्यों हो रहा है और कन्हैया सर को ऐसा लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई इसलिए कि मैं हूँ राजपूत मैं थोड़े कह दे सकता हूँ राजपूत हूँ हिंदुस्तानी हूँ बिहारी हूँ और राजपूत भी हूँ <laughs> तो इससे अब कह देंगे कि राजपूत ना है हाँ। तो कोई मान नहीं कि राजपूत ना हवन है ये तो सच्चाई है सच्चाई है सब जाति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं कहते हैं कि हम अति पिछड़ा से हाँ। हैं हाँ। 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 कहते हैं कि नहीं कहते हैं लालू प्रसाद यादव नहीं एक बार कहे कि ओहर के बेटा है भविष्य जब पटकबे ना किलोस तो नरेंद्र मोदी का पटकी हन कहे कि नहीं नहीं सब बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत सारे नहीं बोलते हैं इसका मतलब क्या है तो ये पॉलिटिकल लाभ के लिए ही पोलिटिशियन पोलिटिकल ही लाभ के लिए नहीं रहे कर कर हैं लेकिन आप समझिए कि ये पहली बार नहीं है कि हिंदुस्तान में किसी आदमी को परिहार मिल जाता है और ये जो नीतीश कुमार ने ही लगाया था अब उस समय उनको जरूरत क्या पड़ी उन्होंने ही हटा लिया तो क्या इसमें और एक बात और आप जान लीजिए सजा आपता होने के बाद जब सजा कोर्ट से हो गया तो वो जुडिशियल कस्टडी में आदमी नहीं होता है वो कोर्ट का अधिकार उसमें नहीं है जेल में जब आप सजा जब तक से आप ट्रायल हो रहा है आपका उसमें सरकार का अधिन हो गया सरकार छोड़ दी